हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आगे गुरप्रीत आहूजा, बलजीत संधु और समीर विर्क का वीजा बनाने वाले एजेंट राहुल बस्सी ने पुलिस में सरेंडर कर दिया। भाभी, राहुल बस्सी पुलिस के हाथ लग गया है। मैं जा रहा हूं, तुरंत आपको फोन करूंगा। गुरप्रीत आहूजा कहां है राहुल बस्सी? मुझे नहीं मालूम। मैं इतना कह सकता हूं कि या तो वो भाग गया है या फिर उसके छोटे भाई ने उसके साथ कुछ किया है। मतलब तू ये मत सोचना कि तूने वकील के थ्रू सरेंडर किया है तो तेरी खातिरदारी में हम कोई कसर छोड़ देंगे। आपको जैसी खातिरदारी करना है करिए सर। मैं तो आपको सामने से यही बताने आया था कि जैसे बलजीत और समर को छोड़ा गया था वैसे गुरप्रीत को भी छोड़ दिया। बलजीत और समर को पैसे लेने के बाद छोड़ा था, गुरप्रीत को ऐसे ही छोड़ दिया? सर, मुझे यही बताया गया कि गुरप्रीत पैसे देने को तैयार नहीं, इसलिए उसे छोड़ दिया। किसने बताया था इन तीनों को मुंबई रिसीव करने कौन आया था? रखा कहाँ था इन तीनों को? सर, मुझे ये सब नहीं पता सर। सर, मेरा काम है वीजा और पासपोर्ट बनाना और मैंने वही किया सर। मुंबई है, अपने खर्चे से जाते हैं, पर मुंबई के आगे की पार्टी ने आगे लंदन भेज दिया। लंदन? वीजा फेक, सब कुछ फेक। बोल, चल क्या रहा था ये राहुल? सर, 28 तारीख को बलजीत और समर को छोड़ने के बाद मुझे यही बताया गया था कि गुरप्रीत पैसा देना नहीं चाहता है, ना वो अपने भाई से बात करना चाहता है ना बीवी से, इसलिए उसे छोड़ दिया था। बात कर, बोल अपने घर वालों को कि जान बचानी है ना तो 12 लाख रुपए दे, वरना ना यही सड़ेगा तू। नहीं बात करूंगा मैं। जब तक मैं लंदन नहीं पहुंच जाता एक 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 फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। लंदन तू तब पहुंचेगा जब हमारे हाथ में पूरे पैसे मिलेंगे, पूरे 12 लाख, समझा? वो पैसे मेरे खेत बेच के, मेरे बीवी बच्चे, मेरे भाई के सपने बेच के मैंने वो पैसे इकट्ठा किए। ये गुरप्रीत मान नहीं रहा है, बात नहीं करेगा वो ना बीवी से ना भाई से। देखो, बलजीत और समर के तो पैसे आ गए हैं ना, अब गुरप्रीत अगर नहीं मानना तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करे, छोड़ दे क्या इसको? पुलिस के पास तो नहीं जाएगा? अरे, उसके भाई और उसकी बीवी तो पहले ही पुलिस के पास जा चुके हैं। मेरी मानो तो छोड़ दो उसे। ठीक है सर, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, लेकिन गुरप्रीत के चक्कर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका था कि बाकी का पैसा लिए बगैर हमने उसे छोड़ दिया। सर, वो यहाँ अमृतसर तक पहुँचा था। सर, आप संजय से पूछे ना कि इसने अपने बड़े भाई के साथ क्या किया। सर, आप खुद सुन, संजय बलजीत और समर तक तो पहुंच जाता, लेकिन उसका अपना भाई गुरप्रीत जो कि अमृतसर तक पहुंच चुका था उस तक नहीं पहुंचा। कैसे सर? भैया अमृतसर वापस आए थे तो फिर घर क्यों नहीं पहुंचे? ये तो तुम बताओगे संजय। हमें तो ये पता चला है कि तुम्हें कोई फोन आया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि तुम्हारे भाई को ट्रेन में बिठा रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। सर, राहुल बस्सी ने 12 लाख मांगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम वो पूछ ही नहीं रहे हैं संजय। तुम सिर्फ ये बताओ, क्या तुम्हें कोई फोन आया था ये बताने के लिए कि तुम्हारे भाई गुरप्रीत को अमृतसर की ट्रेन में बिठा दिया? तेरे भाई से बात करवाओ मेरी, कहाँ है वो? मैं छोड़ूंगा ना किसी को। ए, वापस भेज रहे उसको, समझाना। और सुन, जाने के बाद कुछ भी नाटक किया ना तो एक बात याद रखना, तेरे और तेरे फैमिली को ना बहुत महंगा पड़ेगा। इसी शर्त पे वापस भेज रहे हैं कि जो भी हुआ अपने दिमाग से निकाल दे वो। इसमें ही तेरे और तेरी फैमिली की भलाई है। हाँ साहब, एक फोन आया था, बड़ी अजीब सी आवाज थी, मुझे लगा राहुल बस्सी पैसों के लिए हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। पर साहब, जिसका भी फोन था ना तो उसने किसी ट्रेन का जिक्र किया और ना ही भैया को अमृतसर भेजने के बारे में बात की। यानी कॉल आया था तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? ये बात हमें राहुल बस्सी से क्यों पता चली? साहब, आप कहाँ उस चोर चके फरेबी की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? मैं यहाँ आया ये सोचकर कि अगर राहुल बस्सी कुछ नहीं बोलेगा तो आप उसको तोड़ेंगे, मेरे भाई के बारे में कुछ तो पता लगाएंगे, पर आप तो उल्टा मुझे से सवाल कर रहे हैं। साहब, अगर मेरा भाई वापस आ गया होता तो क्या मैं यूं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहता? नाला सुपारा? सर, मैं तो कभी मुंबई गया नहीं, ऐसी कोई जगह मैं तो जानता नहीं। सर, आपको जितना मारना हो मारिए, लाते घूसे जैसे चाहे मारिए सर, लेकिन जो चीज मैं नहीं जानता वो आपको कैसे बताऊं? सर, मैं भी नहीं जानता कि तू इस वक्त मेरी कस्टडी में। सर, आप जाने या ना जाने, लेकिन मेरा लॉयर जरूर जानता है। सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने फेक वीजा पासपोर्ट बनाकर इन लोगों को आगे भेजा है, लेकिन ये लोग आगे किससे मिले मैं नहीं जानता सर।
मुझे फोन पर पता जाता है ये पार्टी को कहाँ भेजना है। ये गुरप्रीत आहूजा, बलजीत संधू, समर विर्क तीनों को मुंबई भेज देना। जी मालिक। मालिक इन तीनों के वीजा पासपोर्ट कब तक आ जाएंगे? वीजा और पासपोर्ट की डिलीवरी देने वाला हर बार नया होता और हमारा यही कोड कि कभी नाम मत पूछो, कभी नहीं। पैसों की डिलीवरी का भी यही सिस्टम है साहब। मेरा कमीशन होता है 20%, बाकी 80% हमें आगे भेजना होता है। पैसों की डिलीवरी कब देनी है यह हमें मालिक फ़ोन करके बताता है और यह सारा काम हाईवे वाले ढाबे पर होता है, गुंडूदर ढाबा। सर पैसों की डिलीवरी लेने वाला रेड कैप और डार्क गॉगल में होता है और हर बार नया। सर मुझे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि वो एक आदमी था या दो। तू लोगों को सिर्फ मुंबई भेजता है? नहीं सर, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, वहां भेजता हूं जहां मालिक का हुक्म होता है। ये मालिक कौन है? सर मैं नहीं जानता। आज से 6 साल पहले जब मैंने वीजा पासपोर्ट का काम शुरू किया था, किसी तरह गाड़ी चल रही थी, तब एक आदमी आया था, उसने अपना नाम मामून आलम बताया था। जी जी मेरे को समझा नहीं आपकी बात। वही तो समझा रहा हूं, ये कोई वीजा पासपोर्ट का खेल नहीं है, ये इमिग्रेशन का शतरंज है। इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खूब सारा पैसा कमाना चाहते और एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसा शायद मुमकिन नहीं, इसलिए वो एब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं। लेकिन हम तो यहाँ वीजा पासपोर्ट वाले। हाँ हाँ, सिर्फ वीजा और पासपोर्ट। पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए 500-600 रुपए लेते होगे, वीजा के लिए शायद 1000 रुपए। बस्सी इमिग्रेशन करवाओ, इमिग्रेशन लोगों को ये यकीन दिलाओ कि वो एब्रॉड जा भी सकते हैं और सेटल होकर अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, और जब वो करोड़ों के सपने देखेंगे तो लाखों तो तुम्हें वैसे ही दे देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है, बदले में तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा। और लाखों के खेल में 10% कमीशन कम नहीं होता बस। इसके बाद तुम अपनी काबिलियत साबित करो, कमीशन बढ़ता जाए। हाँ, पूरे ऑपरेशन में एक कोड है, सीक्रेसी। सीक्रेसी कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए, बदले में तुम्हें मिलेगा बहुत सारा पैसा। वो पहली और आखिरी मुलाकात थी, लेकिन हाँ मैंने उसका काम शुरू कर दिया और जैसा उसने कहा था मैंने इस काम से बहुत पैसा कमाया। कमाया नहीं, ठगा, फेक पासपोर्ट और फेक वीजा बनाकर। अब ये बोल, पिछले 6 साल में तूने कितने लोगों को चूना लगाया? सर हिसाब किताब कौन याद रखता है? ये सब कुछ उस गुरप्रीत की वजह से हुआ है, ये सारा बखेड़ा उसी ने खड़ा किया। सर मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत लेट हो आप, रैकेट का कुछ नहीं मिलेगा। अब तक तो सब कुछ जल गया होगा, सब कुछ। सब कुछ जला दे, कुछ मत छोड़ना, एक छोटा सा कागज भी नहीं बचना चाहिए। ये रायता तूने फैलाया बस्सी, अब जल्दी समेट, कोई निशान कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। कुछ नहीं बचा है सर, सच बोल रहा हूं, बहुत खतरनाक लोग हैं वो, मुझे भी मार सकते हैं, इसीलिए सामने से आकर बता रहा हूं कि मैं एक नाम के अलावा और कुछ नहीं जानता, और वो नाम है मामून आलम। साहब पूरी टीम लगी है नाला सोपारे में, लेकिन जो कोठी आप ढूंढ रहे हैं उसके बारे में और कुछ पता चलता तो काम आसानी से हो जाता साहब। अभी तो इतना ही पता है शिवा कि किसी सुनसान जगह पर कोई अकेली कोठी। एक शिवा, जिन दो लोगों ने इस कोठी के बारे में हमें बताया है वो लोग पहली बार मुंबई आए और उन लोगों ने पहली बार उस कोठी को देखा था, उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उन्हें इस जगह पे पकड़ के रखा जाएगा। शिवा अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी से काम चला, और जितनी अकेली बनी कोठी है सबको छाटो। अभी एक और नाम मिला है, मामून आलम, शायद ये इन सब का बाप हो, ये लोग मालिक बोलते हैं इसको। ये दोनों नाम ध्यान में रखो और पूरा नाला सुपारा छान मारो, मिल जाएगा। जी गुरप्रीत जी संजय के बड़े भाई हैं, बहुत प्यार है दोनों में, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर संजय ने कुछ बताया कि गुरप्रीत को छोड़ दिया है, ऐसा कोई फोन आया था? जी नहीं, 12 लाख मांग रहे ये बताया था। गुरप्रीत को छोड़ दिया ऐसा कोई फोन आता तो संजय मुझे क्यों नहीं बताता? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं,
आपके देवर और आपके पति के बीच कोई मनमुटाव की भनक थी आपको? ऐसा कुछ था उनके बीच? संजय का फोन क्यों नहीं लग रहा? मम्मी, पुलिस वाला अंकल ने क्या बताया? पापा आए थे, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। क्या सच में गुरप्रीत आहूजा को अपराधियों ने छोड़ दिया था? क्या वो अमृतसर वापस आया था? ये ऐसा शातिर गिरोह था जिसने अपराध के बाद अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। क्या कोई और एंगल भी जुड़ा हुआ था इस रैकेट के साथ जिसका शिकार गुरप्रीत आहूजा बना, जो यहां अपने परिवार को छोड़कर अपने अच्छे भविष्य और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश में बसने का सपना लेकर निकला था? सर, ये राहुल बस्सी जितने भी फोन यूज करता था उसके कॉल रिकॉर्ड्स, और ये जो मालिक है इसके सारे कॉल्स भी वही नंबर से है, 5598 मॉस्को रूट के इंटरनेट कॉल्स जो अनट्रेसेबल है। और संजय आहूजा के कॉल रिकॉर्ड्स? हाँ सर, कॉल तो उसको भी आया था, यही नंबर है सर, 5598। अगर उन्होंने गुरप्रीत को भी छोड़ दिया था तो फिर वो वापस क्यों नहीं लौटा? सचिन, अमृतसर रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज निकालो, ढूंढो उसमें गुरप्रीत को। संजय आहूजा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। पर ताजुबे के जिस दौरान गुरप्रीत को छोड़ने की बात कही जा रही थी, उस बीच संजय यहाँ रणबीरपुर से अमृतसर गया ही नहीं। और ये मामून आलम कौन है जिसकी राहुल बस्सी बात कर रहा था? यही इस ग्रोह का मालिक है क्या? सर, मॉस्को रशिया से ऑपरेट कर रहा है, हमें कोई और तरीका देखना होगा उस तक पहुंचने का। गुरप्रीत आहूजा के मिसिंग होने से बहुत मुसीबत होने वाली है तुझे। सारी चीजें एक तरफ, फेक वीजा, फेक पासपोर्ट, इनके चार्जेस एक तरफ, बेल होना इम्पॉसिबल है। मैं सच कह रहा हूँ वकील साहब, मुझे नहीं पता गुरप्रीत कहाँ। अगर मुझे गुरप्रीत के बारे में कुछ भी पता होता तो मुझे बताने में क्या जाता? मुझे बस इतना बताया गया था कि गुरप्रीत को छोड़ दिया गया है और वो अमृतसर वाली ट्रेन में बैठ चुका है। देख, मैंने तेरे लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात की, बस तू ये मालिक जिसे भी बुलाते उसका नाम बता दे। वकील साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मालिक कौन है। तो फिर ये बता दे, कौन जानता उसे? मुझे ये भी नहीं मालूम। मामून आलम, ये कौन है मैडम? ये बात तो तुझे पता होनी चाहिए ना गुलाम, पूरे रैकेट की टिकट्स की बुकिंग तू करता था। देखिए मैडम, ये सब में आप मुझे मत घसीजिए। रैकेट होगा लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। मैडम, मैं सिर्फ टिकट बुकिंग का काम करता हूँ। ये देखिए मैडम, ये सब फाइल चेक कर लीजिए, ये लीजिए सब फाइल। देखिए मैडम, व्हाइट का मनी है सर, टैक्स पे करता हूँ मैं। देखिए मैडम, अगर किसी केस में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बोलिए ना, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कर हेल्प, बता मालिक कौन है। गुरप्रीत, समर और बलजीत, इन तीनों से मुंबई में कौन मिला था और इन तीनों को नाला सपारा में कहाँ रखा गया था? मैडम, जिन तीन लोगों की आप बात कर रही हैं, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता उनको कौन लेकर गया, कहाँ रखा। मैडम, राहुल बस्सी को भी मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो मुझसे टिकट बुक करवाता है। आप चेक कर लीजिए सब। मैडम, मामून आलम का तो नाम भी नहीं सुना मैंने कभी, और ये मालिक कौन है मुझे नहीं पता। मामून आलम? हाँ जानता हूँ, सुना इसके बारे में। ये मामून आलम ने यहाँ एक कोठी उठाया भाड़े पर। कहाँ श्रीधर? हम ये कोठी और मामून आलम दोनों को ढूंढ रहे। वो राजोड़ी पे जाने वाला रास्ता है ना, हाँ। उधर ही पे ये कुछ अफजल काड़ेकर नाम है ओनर का। अफजल काड़ेकर? जरा नंबर देना इस अफजल काड़ेकर का। सर, एक कोठी मिली है, शायद ये वही, और मामून आलम का भी पता चला है सर, कोठी उसी ने रेंट पे ली है, और ये कोठी का ओनर कोई अफजल काडेकर है। सब लोग वहीं जा रहे हैं। अफजल काडेकर के पास मामून आलम की डिटेल तो होगी। ये मामून आलम ही मालिक है या फिर ये जानता है कि मालिक कौन है? अगर मामून आलम मालिक नहीं है तो यही हमें मालिक तक पहुंचाएगा। हम यहाँ पर बलजीत और समर से उन लोगों के स्केचेस बनवा रहे हैं जिनसे वो मुंबई में मिले थे। कुछ याद नहीं है सर, बहुत मारा था उन लोगों ने, डर से सब कुछ भूल चुका हूँ। सर, अगर मैं बताने की कोशिश भी करूं तो बताने कितना सही होगा। समर, बलजीत, जो बता सकते हो बताओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, पर गुरप्रीत के बारे में सोचो, उसकी वाइफ, उसके छोटे बच्चों का सोचो। संजय, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं भाभी? तो क्यों नहीं बताया कि उनका फोन आया था कि गुरप्रीत जी को छोड़ दिया है? भाभी, मैं खुद बहुत परेशान था, बलजीत और समर को ढूंढने में लगा हुआ था। मैं जानता था भाभी की वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने सच में भैया को छोड़ा होता तो यहाँ नहीं आते। भाभी, आपको बताना मेरे दिमाग से निकल गया, कैसे निकल गया मैं खुद नहीं जानता।
कि ये राहुल बस्सी की कोई चाल है। कल पुलिस भी सारा दिन यही सवाल पूछ रही थी मुझसे कि 12 लाख रुपए के लिए मैंने अपने भाई को कैसे मारा है। अभी पुलिस का तो काम है शक करना, कम से कम आप तो मुझ पर शक मत कीजिए। भैया के लिए मैंने अपने हिस्से के खेत बेच दिए थे भाभी। अगर मुझे सच में पता होता कि भैया वापस आ रहे हैं तो क्या मैं आपको नहीं बताता? साहब साहब, ये अफजल काड़े पर कोठी के मालिक। कोठी पर तो अभी ताला लगा है, लेकिन अफजल के पास दूसरी चाबी है और मामून आलम की सारी डिटेल्स भी इनके पास। बलजीत समर, देखो यही वो मुंबई वाली कोठी। हाँ सर, यही है। वो कोठी मिल गई है सर हमें, मुंबई के पास नाला सोपारा एरिया में, और मामून आलम तक भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सर अब तक के हिसाब से यही लग रहा है कि मामून आलम ही इस रैकेट का बॉस, और अगर हमारा अंदाजा गलत भी है तो उसके जरिए हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। गुरप्रीत आहूजा की कोई लीड? सर राहुल बस्सी के हिसाब से गुरप्रीत को छोड़ दिया गया था, लेकिन गुरप्रीत अपने घर नहीं पहुंचा। हम गुरप्रीत के भाई संजय आहूजा पर भी डाउट कर रहे हैं। इमीडिएटली पूरे पंजाब में एक प्रेस स्टेटमेंट इशू कराओ, सारे पेपर्स में ये होना चाहिए, साथ ही बाकी के स्टेट्स को इस फेक पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन रैकेट के बारे में। आई एम श्योर गुरप्रीत, बलजीत और समर इस रैकेट के पहले विक्टिम तो नहीं है। कोई सामने तो नहीं आया सर, पर श्योरली ये पहले विक्टिम्स नहीं है। पेपर में खबर आएगी तो बाकी के विक्टिम भी सामने आने से हिचकिचाएंगे नहीं। उनके सामने आने से हमें कोई और लीड मिलेगी। गुरप्रीत आहूजा का ये केस ही इस रैकेट को बाहर लाया है। हम उसे किसी भी तरीके से ढूंढना है और वापस लाना है। सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पहुंच से दूर है, उन तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प लगेगी। वो आईपी एड्रेस मॉस्को रशिया रूट से। सर पूरी डिटेल्स दो मुझे, मैं देखता हूँ। यूक्रेनियन माफिया भी इन्वॉल्व है? सर अभी तक कोई ठोस उनके खिलाफ मिला तो नहीं है। अंकल लोकल पुलिस स्टेशन का कॉल कर, उनकी एक टीम चाहिए मुझे, हर एक को ना बारीकी से चेक होना चाहिए। सर ये रहा एग्रीमेंट, इसमें मामून आलम का फोटो भी है। ये एग्रीमेंट दिसंबर 2019 तक का है, लेकिन सर मैं सच कहता हूँ, मुझे तो आप लोगों से पता चला यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इस पर जो नंबर है मामून आलम का, वो तो स्विच ऑफ आ रहा है अफजल भाई। हाँ मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन फोन बंद है उसका। इसमें उसका मीरा रोड वाला एड्रेस भी है, आप वहां से पता कर सकते हैं। उसने ये कोठी भाड़े पर क्यों लिया था? पता नहीं क्यों, लेकिन सर महीने का 1.5 लाख रुपए किराया दे रहा था वो, इसलिए पूछा नहीं। गोविंद सर, बलजीत और समर ने भी कंफर्म किया कि उन दोनों को यहीं रखा गया था। ठीक है, यहाँ के सर्च के बाद मामून आलम को उठा दे, बस वो पहले ही भागा ना हो। वीजा एजेंट राहुल बस्सी के मुताबिक उसे इस गिरोह में मामून आलम नाम के एक शख्स ने शामिल किया था। मामून आलम नाम का एक शख्स था भी, और अब इन्वेस्टिगेटिंग टीम को उसका एक एड्रेस मिला था। पर क्या मामून आलम ही इस गिरोह का वो मालिक था जिसकी बात राहुल बस्सी कर रहा था? क्या मामून आलम तक पहुंचकर पुलिस गुरप्रीत आहूजा का पता लगा पाएगी? क्राइम ब्रांच, मामून आलम का है जी, वो तो घर पर है। पर आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? बात करनी है। मामून ने नाला सोपारा में एक कोठी किराए पर ले रखा था, उसी बारे में। आप कौन हो? उनकी बीवी। बुलाइए, कहाँ है? उनका तो एक हफ्ते पहले इंतकाल हो चुका है। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था।
क्या काम करते थे मामून आलम? वीजा, पासपोर्ट वगैरह लोगों को हज पर भी भिजवाते थे। सही, शिवा ने पता किया मामून आलम एक हफ्ते पहले सच में एक्सीडेंट में मारा गया था। सब मामून का वीजा पासपोर्ट वाला ऑफिस पूरा खाली। मामून का मरना कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता है शिवा। गुरप्रीत का केस बाहर निकलता है और पंजाब से उस राहुल बस्सी को इस रैकेट में शामिल करने वाला मामून मारा जाता है। एक्सीडेंट रात के टाइम पर हुआ था साहब, ये मर्डर भी हो सकता है। आपको मामून के घर से कुछ मिला? लवलीन घर छान रही है उसका, लेकिन ऑफिस खाली कर दिया है तो घर पर क्या मिलेगा? साहब मामून मालिक ना भी हो तो भी इस रैकेट में कोई बड़ी पोजीशन देख रहा है। बंदा खुद 1 BHK में रहता है और नाला सोपारा में 1.5 लाख की कोठी किराए पर ले रखी है। पता कर शिवा, इसके आगे पीछे की गड़ी कौन है, जल्दी पता कर। शिवाना, क्या तुम जानती हो तुम्हारा पति फेक वीजा, किडनैपिंग और इलीगल इमिग्रेशन का काम कर रहा था? मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मुझे उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो हम पता कर ही लें। चलो। मैडम एक सेकेंड, एक सूटकेस है, ये अपने ऑफिस से लाए थे एक्सीडेंट के एक दिन पहले। कहाँ है वो सूटकेस? आइए। कहाँ है? जीप इसके पीछे। क्या कर रहे हैं आप? क्या है इस बैग में? पैसे? उससे भी कहीं ज्यादा कीमती है, ये समझ लो मेरी जिंदगी और मौत बंद है इसमें। ये क्या बोल रहे हैं आप? एक चीज का ध्यान रखना, इसके बारे में कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करना, चाहे कोई भी हो। चाबियां इनके पास ही होती थी। शबाना, जब मामू ने इसे रखा था तब किसी के बारे में बताया था? किसी गुरप्रीत आहूजा के बारे में? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। से पता था ना कि मामून आलम का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ इसका। अब बोल, तेरा वो मालिक कौन है और गुरप्रीत के साथ क्या किया तुम लोगों ने? उसको भी मार डाला? आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, बोल दे। सर मुझे इसी बात का डर था, मैंने कहा था आपसे कि वो बहुत डेंजरस लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते। कौन वो लोग? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ एक नाम जानता हूँ मालिक। अब मुझे नहीं पता कि सर ये मामूनी मालिक था या फिर मामून भी एक छोटा सा प्यादा था। सर ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके सामने सरेंडर कर दिया, अगर वो मामून को मार सकते हैं तो फिर अगला नंबर तो मेरा ही होता। पासपोर्ट फेक होगा, वीजा भी लगा है, यूके का है ये भी फेक होगा। 200 पासपोर्ट और वीजा? यस सर, सभी फेक हैं, अलग अलग सिटीज के। सर अगला नंबर इन्हीं लोगों का हो सकता था जिन्हें पासपोर्ट और वीजा भेजना बाकी था। गुरप्रीत के केस ने इनका खेल जो बिगाड़ दिया। सर ये फेक पासपोर्ट और वीजा ये प्रिंट कराने का काम मामून आलम का लगता है। कोई लैपटॉप या कोई और सेटअप मिला? नहीं सर, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला। वो सूटकेस भी हमें मामून आलम की बीवी नहीं दिया। ये कोई बड़ा रैकेट है लवलीन, बहुत बड़ा। मामून आलम के घर से मिले कई सारे फेक पासपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन टीम को अंदाजा हो गया था कि ये रैकेट कितना बड़ा होगा। फेक पासपोर्ट से पुलिस को उन कई लोगों का पता चला जिन लोगों ने वीजा एजेंट्स को पैसे दिए थे और वीजा आने पर विदेश जाने के लिए तैयार बैठे थे। बहुत सारे शहरों में बहुत सारी टीम्स बनाई गई।
जो वहां फैले इस रैकेट के एजेंट्स का पता लगाकर ठगे जाने वाले लोगों से कांटेक्ट कर सके। मैंने उनके साथ कुछ कर दिया? नहीं संजय, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा भाई वापस नहीं लौटा था। हमें इस रैकेट से जुड़े एक आदमी के बारे में पता चला था, लेकिन बदकिस्मती यह रही कि उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन आदमियों तक पहुंचने की जिन्होंने तुम्हारे भाई को पकड़ के रखा था। या फिर क्या साहब? संजय, हमारी पूरी कोशिश है कि कोई और हमें मिले या ना मिले, हम तुम्हारे भाई को ढूंढकर सही सलामत वापस ले आए। मैं खुद मुंबई जा रहा हूं, ये केस अब बहुत बड़ा हो चुका है संजय। अमृतसर से कॉल था, कॉलर सामने नहीं आना चाहता, पर उसका कहना है कि साल भर पहले उसके साथ भी ये धोखा हुआ था। एजेंट कौन था? राहुल बस्सी? जी सर, कॉलर अपना नाम नहीं बताना चाहता, पर उसने बताया कि उसे अमेरिका जाना था। एडवांस में 3 लाख दिए थे और 5 लाख बैलेंस थे। बस्सी ने उसे कोलकाता भेजा था। इस आदमी ने अपने टॉर्चर के बारे में जो बताया वो बलजीत संधु और समर विर्क पर हुए टॉर्चर जैसा ही था। उसकी फैमिली ने भी उसे रैंसम देकर छुड़ाया था? नहीं सर, वो भाग निकला था। अलग अलग शहरों के लोगों के साथ ये कांड, पर किसी ने भी मुंह नहीं खोला। सर, ये कॉलर कह रहा है कि वो टॉर्चर से डर गया था और फेक वीजा फेक पासपोर्ट केस में फंसना नहीं चाहता था। किडनैपिंग के बाद उन लोगों ने ऐसे उल्टे सीधे तरीके से पैसे वसूले होंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच मामून के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल रही है, अब कम से कम इसके कॉल रिकॉर्ड्स में इंटरनेट कॉल नहीं होने चाहिए, तभी हम इस मालिक तक पहुंच पाएंगे। केस हाथ से निकल चुका है, अब मैं तुझे यही सलाह दूंगा कि गुरप्रीत और मालिक के बारे में बता दे। वकील साहब, मैं नहीं जानता कि ये मालिक कौन है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूरे देश में अलग अलग जगह से कई सारे एजेंट अरेस्ट हुए, तो वो क्यों नहीं बताया था कि मालिक कौन है? साहब, हमें नहीं पता वो कौन है, हम लोग उन्हें मालिक बुलाते हैं। हमने आज तक सिर्फ मालिक की आवाज़ सुनी है, हमने कभी मालिक को देखा नहीं है साहब। मालिक ने बोला उन्हें गुवाहाटी भेजो तो उन्हें गुवाहाटी भेज देते, मालिक ने बोला उन्हें जयपुर भेजो तो उन्हें जयपुर भेज देते साहब, लेकिन मालिक से पूछने की कभी कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। देख राहुल, अब ये सब रुकने वाला नहीं है। पुलिस को जब तक गुरप्रीत आहूजा नहीं मिल जाता वो शांत नहीं बैठेगी। बता मुझे क्या हुआ गुरप्रीत के साथ, कहाँ है वो? राहुल, मैं तेरा वकील हूँ, तेरी भलाई से। वकील साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता गुरप्रीत आहूजा कहाँ है। इस अकेले गुरप्रीत ने पूरे रैकेट के नंगे डुबो दिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं क्या हुआ उसके साथ। गुरप्रीत जी की मुझे लंदन जाने की इज्जत समझ ही नहीं आई, और अब तो 1 महीना हो गया संजय। भाभी, आप उम्मीद मत छोड़िए, बच्चे आपका मुंह देखकर आंसू रोके होंगे। पुलिस पूरी मुंबई छान रही है भैया को ढूंढने के लिए, लेकिन क्या संजय? भाभी, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, पर उनमें से किसी को नहीं मालूम कि मुंबई में भैया को किसने पकड़ा था। पुलिस बस एक ही बात कह रही है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, और वो लोग किसी को विदेश नहीं भेजते हैं, बल्कि उन्हें पकड़ कर छुड़ाने के लिए उनके परिवार वालों से पैसा मांगते हैं। तो अगर गुरप्रीत जी को उन्होंने पैसों के लिए पकड़ा है तो हमारे पास फोन क्यों नहीं आया पैसों के लिए? पता नहीं भाभी, पर एक बात सुनने में आ रही है, कितने सालों में हम पहले हैं जो पुलिस के पास गए हैं। मामून आलम के फोन में ज्यादातर इनकमिंग कॉल्स इंटरनेट कॉल्स ही है, और आउटगोइंग कॉल्स भी इंटरनेट कॉल्स है। कॉल रिकॉर्ड्स में एक भी नंबर ट्रेसेबल नहीं है? 2 नंबर है सर, ये दोनों नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। इन दोनों नंबर पे मई मंथ में बात हुई है, गुरप्रीत, बलजीत और समर इन तीनों के मुंबई पहुंचने से पहले तक की डेट, यानी 8 मई तक के कॉल रिकॉर्ड मंगाए इन दोनों नंबर के, जो कल तक आ जाएंगे। गोविंद, कोठी से कुछ मिला? टीम ने हर कोना बहुत बारीकी से चेक किया है मंदीप, कुछ डाउटफुल नहीं मिला, हर कोना देख लिया, फर्श, दीवारें, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ दफन है। गुलाम रवि कुछ नहीं मिला, राहुल बस्सी के बाद बस वही एक है इस रैकेट से जुड़ा हमारे पास। उससे बहुत बार पूछताछ भी हुई, वो सिर्फ टिकटिंग एजेंट है, कुछ लोगों को पीछे भी लगाया था उसके। मुझे शक था कि वो बहुत कुछ दबा कर बैठा है, पर नजर रखने के बाद भी उसके बारे में यही पता चला कि बंदा सालों से ट्रैवल एजेंसी चला रहा है, इलाके में सब जानते हैं उसको, कहीं कुछ लफड़ा नहीं उसके नाम से, कोई सामने ही नहीं आया, इसलिए इतने सालों से ये लोग बेखौफ रैकेट चलाते रहे। मैंने डीजीपी साहब से इंटरपोल से हेल्प लेने के लिए रिक्वेस्ट भी की,
ताकि मॉस्को रशिया रूट वाली आईपी ट्रेस हो सके। पर जरूरी नहीं है कि वो आईपी मॉस्को की हो, तो यूजर भी मॉस्को में हो, वो तो यहाँ कुर्ला में बैठकर भी ऑपरेट कर सकता है। तो फिर कैसे पकड़ेंगे मालिक को? कैसे पता चलेगा हमें कि गुरप्रीत कहाँ है, किस हाल में है? तुमने पक्का उस राहुल बसी को अच्छे से ठोक बजा कर देखा है? क्या पता इस रैकेट में जो खुद को नौकर बता रहा है वही मालिक हो और हमें नचा रहा हो। सारे तू ही मालिक है ना, जानते हम। चलो बोल, बोल गुरप्रीत आहूजा को कहाँ मारा। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। साहब मैं मालिक नहीं हूं, मैं आपसे सच जानता कि मालिक कौन है। यही गुरप्रीत है साहब। हाँ यही थे। ये इरफान हाशमी है और याया शेख। नाम नहीं सुना था साहब। बोल राहुल बसी उर्फ मालिक, मुंबई में इरफान हाशमी, अयाज शेख, ये दोनों तेरे नौकर है ना? आप कोई भी खेल खेल लो, लेकिन सच यही है कि इस पूरे खेल में मैं एक छोटा सा नौकर हूँ जो मालिक के बताई हुई जगह पर लोगों को भेजता है। तो बलजीत, समर, गुरप्रीत मुंबई में किससे मिले, वो एक थे या दो, उन दोनों में से ही कोई मालिक था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सच कह रहा हूँ। इरफान हाशमी, अयाज खान। सर मैंने इन लोगों के नाम तक नहीं सुने, और सब आप लोगों ने भी ना कॉन्स्टेबल भेज भेज कर मेरा नाम भी खराब कर दिया। कभी भी उठाकर आप क्राइम ब्रांच लेकर आते हो, पूरा धंधा चौपट हो गया है साहब मेरा। देख गुलाम, सच बता दे, कोई कुछ नहीं करेगा, हमें बस गुरप्रीत और वो मालिक चाहिए। अब मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, मैं नहीं पहचानता कोई गुरप्रीत आहूजा को, नहीं पता मेरे को ये इरफान हाशमी कौन है, ये अयाज खान कौन है साहब। और ये बार बार आप जो मालिक का नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, इंसान है कुछ कुछ और है। अब तक जितने भी फ्रॉड एजेंट्स पकड़े गए, उन लोगों ने जितनों को ठगा, पैसे लिए, उन सब लोगों के पासपोर्ट और वीजा फर्जी है। उन सब की टिकटिंग तुम्हारे यहाँ से ही हुई है। साहब मेरा धंधा है टिकट बुकिंग का, कोई भी मेरे पास आएगा टिकट बुक करने के लिए, मैं टिकट बुक करूंगा ना। मैं एक अफसर थोड़ी हूँ कि पूछते रहूंगा उनको, इंक्वायरी करते रहूंगा कि वो असली है या फर्जी है। बैठ, बैठ। ये जो इतना बड़ा रैकेट चल रहा है पूरे देश में, ये सबके सब एजेंट तेरे से टिकट क्यों करवाते हैं, और वो सारे टिकट कैंसिल भी हो जाते हैं। ये फर्जी टिकट के अलावा मैंने बहुत सारी टिकट बुक की, अब चेक कर लीजिए। साहब आप मेरे को एक बात बताइए, ये इतना बड़ा रैकेट है, इतना सालों से चल रहा है, ये आपकी पकड़ में अब आ रहा है? अब मैं तो एक मामूली बुकिंग एजेंट हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कोई मेरे से क्यों टिकट बुक करवा रहा है, क्यों कैंसिल करवा रहा है? हाँ शिवा, क्या हाथ लगाए? इरफान, सब इरफान हाथ लगाए। ये बड़े मियां नगर में छुपके बैठा है, ये एक हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकला। राणे, बड़े मियां नगर पहुंच जाओ जल्दी। सब यही है, अंदर ही बैठा है। जोला। हाँ। अच्छा हुआ सब आप लोग आ गए। मामून के एक्सीडेंट के बाद कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस डर से मैं घर से बाहर ही निकल रहा था। गुरप्रीत आहूजा कहाँ है इरफान? तेरे जोड़ीदार समर और बलजीत पैसे देके जा चुके हैं, तू भी पैसे दिलवा और जा। अरे भाई क्यों बैठा है यहाँ पे? घर फोन कर, पैसे मंगा और हंसी खुशी वापस घर जा। अबे नहीं देगा ना तो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा, समझ में आया? फोन कर अपने घर वालों को, बोल पैसा देने के लिए। कुछ नहीं दूंगा मैं, मेरे भाई के, मेरे परिवार के, जब तक मैं लंदन नहीं जाऊं, कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, कुछ नहीं मिलेगा। अबे एड़े, तू गलत जगह आ गया है, यहाँ से कोई अमेरिका, कनाडा, यूके, फुके नहीं जाता है, बात समझ में आई तेरी को? सब पैसा देते हैं और अपने घर जाते हैं, तू भी पैसा दे और अपने घर जा। फोन कर, दिला पैसे। बैल है साला, एकदम ओरिजिनल। देख आखिरी बार पूछते हैं, अगर मना करता है तो उसको छोड़ देते हैं। अबे उसका भाई और उसकी बीवी पहले से पुलिस के पास जा चुके हैं, अभी उसको छोड़ा ना तो। इसीलिए तो कह रहे हैं कि छोड़ देते हैं। देख मामूली आदमी है, आगे नहीं जाएगा, नहीं तो साले हम दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। ए, चल जा जा अपने घर, उठ। ए, ए,
ये तो उठ ही नहीं रहा है। ए, हेलो। अबे इरफान, ये तो मर गया बे। मालिक, बाकी को जितना टॉर्चर किया था इसको भी उतना ही किया था, पर ये साला तो सालो यहां वैसे ही पुलिस पीछे पड़ गई है। क्या कर दिया तुम लोगों ने? मालिक, मिस्टेक हो गया, लगता है थोड़ा ज्यादा टॉर्चर हो गया। मुझे नहीं पता, अब ठिकाने लगाओ और बंद करो वहां का ऑपरेशन। तुरंत सब कुछ गायब कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ठीक ठीक है मालिक। अब क्या करें? कपड़े वपड़े सब निकाल दे, समझा? कुछ मिलना नहीं चाहिए। उधर साइड मिल, साइड मिल। हम तब तक खड़े रहे वहां जब तक पूरी बॉडी जल नहीं गई। कहाँ जलाई बॉडी? मनोर के जंगलों में। वहीं पास के गांव वालों से हमें पता चला था, मनोर के जंगल में स्केलेटन के टुकड़े मिले थे हमें। शिरीष, बोन्स प्रिजर्व तो किया है ना? जी सर, बिल्कुल किए हैं। वो बंदा पंजाब से मिसिंग हुआ है शिरीष, जो कुछ मिला है तुम्हें, हमें वो सब चाहिए। तुम्हारा भाई नहीं रहा संजय, इरफान और अयाज ने मुंबई में मिलकर उसे टॉर्चर किया था। हम उन दोनों के खिलाफ मर्डर केस रजिस्टर कर रहे हैं। गुरप्रीत ने तुम लोगों से पैसे की बात नहीं की। गुरप्रीत का कहना था कि वो पैसे उसके नहीं, तुम्हारे हैं। बेटा, पापा यहां वापस आए नहीं थे, मुंबई में। साले, तुझे अंदाजा भी है अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो क्या क्या कर सकती है? सब मामून के एक्सीडेंट के बाद में वैसे ही डरा हुआ हूँ, मुझे ही नहीं मालूम कि मालिक कौन है। अयाज ही बात करता था साहब, पर पता नहीं उसे भी मालूम है कि नहीं मालिक कौन है। कौन से नंबर पे बात करता था? वो भी अयाज ही जानता है साहब, मेरा तो मालिक वही था। पर साहब, उसके ऊपर, सबके ऊपर कोई मालिक है, पर साहब पता नहीं वो कौन है, कहाँ रहता है। अयाज कहाँ है साहब? वो तो सूरत भाग गया, पता नहीं अभी कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है, कुछ नहीं मालूम, सब कोई बात थी। पापा, पापा। दो दिन की तलाश के बाद पुलिस ने अयाज खान को सूरत से ढूंढ निकाला और वो अब पुलिस की गिरफ्त में था। अयाज खान ही अब मालिक तक पहुंचने की चाबी था, लेकिन क्या उसे मालिक की असली पहचान पता थी? मैंने अरस नहीं दिखाया तेरा तो मुंबई ट्रांजिट का सवाल ही नहीं। तब मैं तो वही मालिक है, ये पूरा रैकेट वही चलाता है सर। वो खाली टिकट नहीं बेचता है, वो ये सबकी सेटिंग वही करता है। पहले उंगली काटेंगे इसकी, फिर पूछेंगे जो भी पूछना है। दर्द होगा तो जुबान खुलेगी, नहीं तो वो भी काट लेंगे। पवार, सामान क्यों ले रहे? ला। अरे सब सब सब
अब पूछे ना जो पूछना है। मालिक तो ही है। हाँ साहब, मैं ही मालिक। सब सब वो गलती हो गई, हाइया से गलती हो गई साहब, वरना आज तक किसी की जान नहीं गई। तेरी जान भी नहीं जाएगी। अमनदीप शुरू करे। हाँ सब मैं सब सच बताता हूँ ना साहब, सब बताता हूँ साहब। देखिए साहब, हमारा किसी को मारने का इरादा नहीं था साहब, हमें सिर्फ पैसों से मतलब था। ये लोगों ने बहुत पैसे कमा के दिए हैं साहब, मैंने बहुत पैसे बनाए साहब, करोड़ों। कहाँ रखा है? अलीबाग में एक बंगला है, बेनामी प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, बहुत सारा कैश भी है। आपको क्या चाहिए सर? उन सब के रिकॉर्ड्स, चिन चिन को अब तक ठगा गया। इतने रिकॉर्ड्स तो नहीं है सर। कब से चल रहा था ये सब? 10-11 साल हो गए सर, लेकिन आज तक किसी को खबर नहीं हुई। सब सही सलामत घर पहुंच गए। अब ये पहली बार है कि गुरप्रीत आहूजा को अपनी जान गंवानी पड़ी सर। सिमरन जी, DNA रिपोर्ट आई है, आपके पति की अस्थियां आपको मिल जाएंगी। पर भैया आप दूसरों को क्यों देखते हैं? कितना भी कमा ले, रोटी तो वही खानी है। भैया यहाँ मेहनत करेंगे तो कम से कम अपने देश में तो रहेंगे हम। वहां मेहनत करेंगे ना तो पाउंड में कमाएंगे। तुझे पता है 1 पाउंड यानी 90 रुपये? अरे वहां जितना मैं महीने में बचा पाऊंगा ना, उतना साल में यहां नहीं कमा पाऊंगा। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने के लिए और धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन करने के चार्जेस लगे हैं। गुरप्रीत आहूजा का इस तरह अपनी जान गवा देना बेहद अफसोसजनक है। डॉक्यूमेंट्स बनाने और बनवाने के लिए बहुत सारे सही माध्यम मौजूद हैं, खासकर यात्रा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के लिए। उन फर्जी एजेंट्स के जाल में बिल्कुल ना फंसे जो पैसा कमाने के लिए भोले भाले और कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए बैठे रहते हैं। विदेश की नौकरी और इससे जुड़े परमिट के मामलों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एजेंट के रूप में शिकारी ऐसे लोगों पर झपटने के इंतजार में हर कोने में मौजूद हैं जो उनकी लुभावनी बातों में आ जाएं। हर डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच करें और अगर कोई शक हो या कोई बात समझ में ना आए तो अपने किसी भरोसेमंद या किसी करीबी व्यक्ति की मदद लेने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। कभी भी ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे जो आपको एक जगह तक ले जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे के हवाले करने की बात करें। आमतौर पर तस्करी, ठगी और लोगों को फंसाने के ये कारगर तरीके होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ लालच हो, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे, एक अच्छे और बेहतर जीवन जीने की बात हो, तो तुरंत उस तरफ दौड़कर जाना समझदारी नहीं है, बल्कि ऐसे में बहुत ही सतर्क होकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।